तो पेपर पढ़ने वाला हूँ। एक बंगाली फॉर्म है, परफॉर्मेंस फॉर्म जात्रा, तो जात्रा के ऊपर मैं बोलूँगा। अराउंड 1905 जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बंगाल का जब डिवीजन हुआ था, तो उससे लेके 1930 तक, तो वो बंगाली फॉर्म है, जैसे नॉर्थ में नौटंकी है, तो वैसे ही एक फॉर्म है बंगाल में भी जिसको हम बोलते हैं जात्रा। सो उसके ऊपर मैं बोलूँगा कि किस तरह से वो फॉर्म लोगों के बीच में गया था, क्या पॉलिटिक्स था उसका, किस तरह से वो तब इंडिया तो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहा था, तो तब उस लड़ाई में ये फॉर्म कैसे जुड़ा, तो यही सब। यात्रा का मतलब क्या होता है? यात्रा का अब अगर हिंदी में बोलेंगे उसको तो होगा यात्रा, इसका मतलब है जर्नी। तो जो ट्रूप्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, परफॉर्मेंस ग्रुप्स, वो गांव से गांव जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, कोई ना कोई स्टोरी परफॉर्म करते हैं। पहले तो वो रिलीजियस स्टोरीज़ करते थे, रामायण महाभारत से लेके, उसके बाद इतिहास के स्टोरीज़ आए, शिवाजी के ऊपर, मेवाड़ के ऊपर, और उसके बाद आपका फिर बाकी जो सामाजिक मुद्दे है उसके ऊपर हुए। तो इस तरह से ही यात्रा का मत चलता आया है। ये यात्रा का पॉपुलर कल्चर में कितना महत्व है? पॉपुलर कल्चर में तो बहुत ही महत्व है। एक 1953-56 में आई थिंक एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो उसमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस है हमारे इंडिया में थिएटर को लेके, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े थिएटर डायरेक्टर्स आके बोले थे कि हमें थिएटर ऑफ द रूट्स, मतलब हमारे जड़ पे हमको जाना चाहिए, नाटक को सोचना चाहिए, हमारा जो फोक कल्चर से उसको देखना चाहिए। तो यात्रा तो उस हिसाब से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस फॉर्म है। उसको अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे किस तरह से 200-300 साल से ये ट्रूप्स करते आ रहे हैं, तो और लोग देखते हैं अभी भी, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यात्रा, और वो उड़ीसा में भी है और असम में भी है, पर असम का यात्रा अभी थोड़ा सा चेंज होके मोबाइल थिएटर में हो गया है, तो वो इम्पोर्टेंस है। तो ये जो आपके जो आप वक्तव्य देंगे उससे कितना प्रभाव पड़ पाएगा, जो लोग जान पाएंगे बंगाल को? ये तो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा जो पेपर है, मैं हिस्ट्री का तो स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं लिटरेचर का हूँ, थिएटर का हूँ, पर हिस्ट्री का कुछ हिस्ट्री के कुछ मूवमेंट्स के बारे में बोलूँगा इनको और बताऊँगा कि जो भी नाटक हम देखते हैं या जो भी हम परफॉर्मेंस देखते हैं उसको हम कोई भी इतिहास के कोई इंसिडेंट से अलग होकर नहीं देख सकते हैं, उससे जुड़ के हमको देखना चाहिए। तो जैसे कि महात्मा गांधी का अगर दांडी मार्च हुआ है, तो अगर उसके ऊपर बेस किया गया कोई नाटक हुआ है तब भी 1920 में, 30 में, और अभी भी 2015 में हो रहा है, तो हम उसको किस तरह से देखें? मतलब अगर इतिहास को नहीं जानेंगे तो अभी का समय को कैसे समझेंगे? तो मुझे लगता है कि बंगाल एक उनका केस स्टडी होगा उनके सामने, बंगाल के ऊपर, पर अगर उसको उसके ऊपर निर्भर करके अगर वो लोग एक बहुत बड़ा पिक्चर देखने के लिए कोशिश करेंगे तो उनको समझ में आएगा थोड़ा सा कि देश क्या है, नेशनलिज्म क्या है। अभी तो नेशनलिज्म को लेकर बहुत चल रहा है, मतलब तनाव तो है सरहद पर, तो उसको लेकर वो लोग थोड़ा समझेंगे और उसमें किस तरह से थिएटर, गाना, नाटक, कोई भी कविता, ये सब कैसे पार्ट ले सकते हैं, वो इम्पोर्टेंस उनको समझ में आएगा। मेरा नाम गौरव है, मैं JNU में अपना PhD ख़त्म कर रहा हूँ अभी, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में, मेरा क्षेत्र वही है यात्रा, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हूँ कुछ साल, अभी मैं अमेरिकन एक यूनिवर्सिटी है BHU के साथ प्रोग्राम कराता है, बनारस में प्रोग्राम रन करते, तो वो कोर्स पढ़ाता हूँ बनारस के ऊपर, जेंडर कास्ट कम्युनिटीज़ के ऊपर।